आज हम आए हुए हैं एक शॉप पे, यहाँ पे जिंगर बर्गर खाने आए हैं। तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है और कैसा सीन होता है। आप फूड्स नाम का एक, तो अब हम लोग अंदर जा रहे हैं किचन का, देखते हैं क्या सीन है। ये यहाँ पे हम लोग जिंगर की स्प्रेडिंग कर रहे हैं, चिकन पीस है उसके अंदर ये स्प्रेडिंग हो रही है। अब इसको अच्छी तरह क्रम्स लगेंगे, उसके बाद इसे फ्राई किया जाएगा। ये इसको पानी में डिप किया और दोबारा इसके ऊपर क्रम्स किया। तो ये हमारा स्प्रेडिंग हो गई है। अब हम लोगों ने इसको डाल दिया फ्रायर के अंदर। यहाँ से ये इसका सारा टेम्परेचर होगा सेट। 7 मिनट में पक जाएगा। 7 मिनट में हमारा जिंगर तैयार हो जाएगा। 163 डिग्री सेल्सियस के इसका टेम्परेचर होगा फ्रायर का। इसके बाद हम लोग इसको, तब तक हम लोग बन वगैरह फ्राई करेंगे। ये हमारे उस्ताद जी हैं जिन्होंने हमारा जिंगर बनाना है। खैर खैर जान, ये यहाँ पे हमारे बन आ गए हैं। यहाँ से नीचे से फ्लेम बढ़ेगा, अब बंस को बेक किया जाएगा। We'll be right back.
ये बन के ऊपर आ गई सॉस। सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे ताकि फ्लेवर पूरा आए। अब इसको स्प्राउट्स और कैबेज दोनों के अंदर ऐसे मिलाया जाएगा ताकि अच्छी तरीके से लग जाए। अब इसको दूसरी साइड पे रखा जाएगा। बन के निचले हिस्से पे सॉस लगाई जाएगी, चिली सॉस। अब हम देखेंगे हमारा अगर जिंगर तैयार हो गया है तो। हाँ, जिंगर तैयार हो चुका है। अब ये जिंगर आ जाएगा इसके ऊपर। आप देख सकते हैं जिंगर पीस कितना बड़ा है और अभी अभी हमने फ्रेश बनवाया। अब इसके ऊपर जो आ गई सॉस भर भर के। और ये बंद हुआ मुकम्मल। ये बटर पेपर के साथ बर्गर हो गया पैक। तो हमारा जिंगर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। जिंगर फुल मज़ेदार लग रहा है देखने से। बाकी अब इसका टेस्ट करते हैं तो पता चलेगा कि ये क्या टेस्ट है इसका। ये अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं और ये हमारी आ गई सीट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्टिंग। तो हमारा बर्गर आ चुका है, अब हम लोग इसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। काश वीडियो में ना कोई सुंघाने का इफेक्ट होता, मैं आपको सुंघा सकता। इसमें से कितनी लजीज खुशबू आ रही है और कैमरे में दिखेगा नहीं, यहाँ पे धुआं निकल रहा है क्योंकि जिंगर अभी फ्रेश लगवाया और बहुत ही मज़ेदार लगा। इन्होंने डॉन वालों का बन यूज किया और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसमें जो सी सॉस इन्होंने यूज़ की है, तंदूरी सॉस, वो बहुत ही मज़ेदार है। और ये सॉस सिर्फ यही इन्होंने कहा है कि मैं खुद बनाता हूँ, तो इस सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा है। ये ना तो चिली सॉस है ना मेयो है, ये पता नहीं बनती कैसे है, अब वो उन्होंने बताया नहीं है मुझे। बाकी इस सॉस का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और इनका सिटिंग एरिया बहुत खुला, पूरी एक छत है, यहाँ पे आप लोग इजीली बैठ के अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। और इसका जिंगर बहुत ही अच्छे तरीके से कुक्ड है क्योंकि इसको 7 मिनट उन्होंने फ्रायर के अंदर फ्राई किया। दिस इज सो डिलीशियस।
शायद अब आपको ना दिख रहा हो इसमें से धुआं निकलता होगा, और ये चिकन जिंगर का क्योंकि इसे इतनी अच्छी तरीके से कुक किया गया है कि हमें वो कच्चा कच्चा सा फील ना हो। तो हम लोग अपना बर्गर ख़त्म कर चुके हैं, अब हम नीचे चलते हैं और बिल देते हैं, क्योंकि बिल दिए बगैर तो खाना खाते नहीं है ना, हम वैसे फूड ब्लॉगर थोड़ी है। ये है इनका मेन्यू, बहुत ही कम पैसों में आपको अच्छा टेस्ट मिल सकता है। ये है दानियाल फूड कॉर्नर DFC, ये है बैंक स्टॉप पे इकबाल चौक के बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे सैंडविचेस, ग्रिल सैंडविच, क्लब सैंडविच, बिग स्पेशल बर्गर, शामी, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ पिज्ज़ा वगैरह नहीं मिलता, यहाँ पे बर्गर की हर कैटेगरी आपको मिलती है, यहाँ पे फ्राइज, नगेट्स, एवरीथिंग। बाकी चलिए, अब हमारा खाना तो ख़त्म हो चुका है, हम बिल भी दे चुके हैं। ये जिंगर बर्गर ओनली 170 रुपीज़ का है, तो जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं आपको ये सब कुछ बता चुका हूँ पहले भी। तो चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। वो कर दिल रजा मन जिसमें, धर्म नो हमें एक रूह दो जिसमें, धर्म नो के कोई मर के भी मरे ना, धर्म नो यहाँ मौत की भी किस्में। हिप हॉप अंधेरे में था और हम दोनों टॉर्च थे, डबल और ट्रिपल पे शो बजाने पहुंचते, अपनी जिंदगी थिएटर, गॉड्स प्ले, गॉड्स प्लान, कोशिश मेरे हाथ में, मैंने कोशिशों पे कोशिशें ही की हैं, ये मेरा तजुर्बा है, मेरी असलियत यही है।